हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने मैथमेटिक्स सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट आपको स्टार्ट करा चुके हैं, ठीक है। और इस सिंपल इंटरेस्ट में हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे, और ये सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों आज लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें मैं सारे आपको जो बचे हुए जो डायमेंशन हैं उन डायमेंशनों पर बात करूँगा। और उन डायमेंशनों को बताने से पहले मैं आपको एक दो और बातें आपसे शेयर करूं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपसे बात करूं कि आपने जो प्रॉफिट जो लॉस था, प्रॉफिट और लॉस, आपने प्रॉफिट लॉस किया, और आपने जब प्रॉफिट लॉस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉफिट लॉस जब निकालते हो तो आप इस प्रॉफिट लॉस को सीपी पे निकालते हो। इस पे निकालते हो सीपी, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब आपने सीपी पर प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वो है सिंपल इंटरेस्ट का। वो जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को किस पे निकाले, तो मैं आपसे एक बात करूंगा कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए यही जो सीपी है ये दोस्तों यही सीपी बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और दोस्तों, जो प्रिंसिपल अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं मूल। और दोस्तों, इस प्रिंसिपल अमाउंट में जब आप कोई इंटरेस्ट लगाते हो, इसमें क्या करते हो, कोई इंटरेस्ट लगाते हो, कोई भी इंटरेस्ट आपने लगाया, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट लगने के बाद, ठीक है, वो आपको किस में चला जाता है, अमाउंट में। वो क्या बन जाता है, अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्रधन। अब आपसे कोई बोलता है कि दोस्त मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन जो दोस्तों होगा, अमाउंट जो होगा वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज होगी। आपसे मैंने ये भी बोला था कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों ये जो प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट रेट जो रेट है वो रेट पूरे के पूरे फैक्टर को क्या कहता है, चेंज कर देता है। तो एक प्रकार से मैं बात करूं रेट की, तो रेट जो होता है दोस्तों जिस पर लगेगा उसकी पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, पूरे के पूरे फेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमने पहले ही लेक्चर में जो सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम जो हम पीडीएफ जो आपको डलवाएंगे, जो पीडीएफ हमने डलवाई है उस पीडीएफ में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और 10वां क्वेश्चन दोस्तों आगे क्या है, 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में दोस्तों अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम इन 20 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि कोई राशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के मैंने दोस्तों आपको कई क्वेश्चन क्या किए थे, बताए थे, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको, मैंने आपसे बोला था कि कोई भी राशि, एक तो मैंने आपसे ये बोला था कि सिंपल सा जो है एक रूल तो ये है कि आप क्या करिए 100 पैसे निकालिए, कि मानिए कि 100 राशि थी और 20 वर्ष में क्या हो जाता है, खुद का 6 गुना हो रही है। 6 गुना मतलब जब 100 थी तो कितना होगा, 6 गुना मतलब 600 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कर रहा है। और मैंने आपसे बोला था दोस्तों साधारण ब्याज जब होगी और साधारण ब्याज में जो रेट होता है, रेट दोस्तों जो होता है, रेट क्या होता है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाली ब्याज को ही क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, वही क्या होता है आपका, ठीक है, वही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका। तो रेट जो होता है दोस्तों आपको निकालना है, तो रेट को निकालने के लिए यहां पे 100 है, बिल्कुल है 100, ठीक है 100 है आपके पास। अब आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या नहीं है,
आपके पास एक वर्ष नहीं है, तो एक वर्ष को आपको सबसे पहले यहाँ पे 20 वर्ष है इसे एक वर्ष में चेंज करना होगा, यहाँ ठीक है। अब देखोगे आप 100 थी, 20 वर्ष में 600 हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों उसको ब्याज कितना मिला, ब्याज दोस्तों यहाँ पे कितना मिला इसको, ब्याज मिल गया 500, कितना मिल गया 500, क्योंकि 100 रुपए थे, 20 वर्ष बाद कितना हो गया 600 हो जा रहे, मतलब 500, तो 20 वर्ष में ब्याज कितनी मिल रही है 500 रुपए। जब 20 वर्ष में 500 रुपए ब्याज मिल रही है, रेट आपसे पूछेगा तो रेट होता है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, परंतु यहाँ पे 100 रुपए पर 20 वर्ष में ब्याज जो मिल रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 100 रुपए पर 20 वर्ष ना होकर के एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, तो तुमने 20 वर्ष को एक वर्ष बनाना है, तो क्या किया आपने 20 से भाग दिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा 20 से भाग देना पड़ेगा, 500/20 हो जाएगा, 0 से 0 करूंगा, 2 से 50 काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा 25 बार, जो 25% जो होगी दोस्तों, 25% 100 रुपए पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, रेट बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं दर। तो यहां से दोस्तों आपकी क्या आ गई सीधी सीधी, द रेट कितना आ गया 25% आ गया। और इसके अलावा मैंने दोस्तों आपसे और भी बताया था कि और कई प्रकार होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दूसरा मैंने एक तरीका आपको ये नया मैं आपको बता दूं, यहां देखिए नोट में लिख देता हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी राशि किसी राशि की कितनी हो जाती है, गुना हो जाती है, तो गुना के केस में आप क्या करोगे, गुना हो जाती है जिसे बोलते हैं टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स हो जाती है, एन टाइम्स, जब आपसे टी पूछे या फिर रेट पूछे, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है, जब आपसे टी पूछेगा तो टी इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई आर और मल्टीप्लीकेशन बाई 100, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, इयर्स में, ठीक है। और यही दोस्तों आपसे पूछ रहा है रेट, तो रेट निकालने के लिए क्या करोगे, R इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई पी गुणी 100, ये किसमें आ जाएगा परसेंटेज, ये दो फॉर्मूले यहां पर, इन फॉर्मूलों का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप कैसे इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, एक टाइप तो ये हो गया कि इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दूसरा टाइप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तीसरा टाइप अगर देखोगे यहाँ पे, थर्ड टाइप, तीसरे प्रकार से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कि कोई राशि थी, सपोज एक राशि थी, और 20 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों, 6 गुनी का क्या मतलब हुआ, मैंने आपसे बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, फॉर यो का क्या रहेगा, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि 100 रुपए की राशि थी, मैंने किसी व्यक्ति को दी, उस व्यक्ति ने मुझे एक साल बाद 120 रुपए दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए की राशि पर उसने 20% का क्या दिया, मुझे इंटरेस्ट दिया। अगर मेरे को 120 रुपए ना दे करके वो 130 रुपए देता, तो मैं बोलता कि भाई 100 रुपए की तो क्या थी, प्रिंसिपल अमाउंट था, इसने मुझे 30% का इंटरेस्ट लगा के कोई भी राशि दी है, तो उसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब सीधा सा यही हुआ कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कहीं भी जाए कॉन्स्टेंट रहेगा, परंतु जो इंटरेस्ट है, रेट है, वो रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वहां यहां पर ये देखिए कि यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1 रुपए की राशि थी, 6 हो रही है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे 20 साल हो, 50 साल हो, कुछ भी हो, तो यहां पर क्या करोगे, 1+5 कर सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा क्यों रहेगा। तो यहां पर दोस्तों 5 जो आई वो क्या निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया, रेट आया, तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है दोस्तों PRT/100। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट देखोगे कितना है, 5 है, प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 1 है, रेट यहां पे आपको क्या करना है, निकालना है, टाइम आपको दे रखा है 20 साल है, डिवाइड बाई 100 करोगे, 0 से 0 काटोगे, यहां 2 से कितनी बार काटोगे, 10 को 5 बार कट जाएगा, यहां पर रेट है 5 का, इधर गुणा कर दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25% ये रेट आएगा। तो कई प्रकार से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो, या तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो,
या फिर इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसी को मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, उसमें क्या निकलवा रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी है, छह गुना हो रहा है, तो एन की वैल्यू दोस्तों कितनी है, छह है, तो छह माइनस वन, टाइम आपको कितना दे रखा है, बीस साल दे रखा है, गुणा क्या करना है आपको, हंड्रेड करना, तो छह में से एक गया दोस्तों, पांच बच गया, बच गया, बीस को सौ से पांच बार कट जाएगा, पांच, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा पच्चीस परसेंट, किसी से भी देख लो, ये एक तरीका, दो तरीका, तीनों तरीके से दोस्तों क्या हो रहा है, 25% 25% और 25% आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा यदि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, आप क्या करोगे, इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन को तालो। डाल देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स फोर टाइम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एनम, रेट ऑफ 10% एनम, ठीक है, कि कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक दर से अपने खुद का कितने गुना हो जाएगी, चार गुना हो जाएगी, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कई टैक्स बता दिए थे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक तो ये था कि मान लो कि कोई राशि एक थी और ये कितने गुना हो जाती है, चार गुना हो जाती है, टाइम क्या है पता नहीं है, बट आपसे बोल रहा है कि रेट जो है वो रेट कितना है, 10% है। तो कोई भी राशि एक, तो प्रारंभ में कोई भी राशि, मतलब प्रारंभ में क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे एक ही रहा होगा, तब जाकर के इस पर क्या हुआ होगा, तीन का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, और यही जो तीन का जो इंटरेस्ट मिला है, यही दोस्तों क्या सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना दे रखा है, एक है, रेट आपको 10% दे रखा है, टाइम आपसे पूछ रहा है, डिवाइड बाई क्या करना है आपको, सीधा 100 करना है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तीन, सिंपल इंटरेस्ट कितना, तीन है ना, जीरो से जीरो काटोगे, यहां से टाइम निकल के आएगा दोस्तों 30 साल, कितना आएगा 30 years, तो 30 साल में कोई राशि 10% वार्षिक दर से अपने खुद का कितना होगी, चार गुना हो जाएगी, उतार लीजिए, या एक और तरीका मैं बताऊं, ये तो सिर्फ भी सिंपल सा हो गया, मैंने अभी आपसे फॉर्मूला जो बताया था कि आपको टाइम पूछ रहा है और एन टाइम की बात हो रही है, तो एन माइनस वन बाई आर गुणी 100 होता है, एन की वैल्यू दोस्तों कितनी है, चार है, माइनस वन करोगे, रेट आपको 10 दे रखा है, ऊपर 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, चार में से एक गया तो तीन बच गया, 3 × 10 = 30 का, इस टाइप से कर लोगे। और अगला टाइप दोस्तों क्या है, कि अगला टाइप ये है कि कोई राशि 100 रुपए की थी, 400 हो गई, यहां पर रेट आपको 10% दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं डाल दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 वहां, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि यह 4% ज्यादा दर से दी जाती है तो 160 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए, आपसे क्या बोला है, तो राशि ज्ञात कीजिए। आप मेरे को एक चीज बताइए दोस्तों, यदि 4% ज्यादा ब्याज मिलती है, जब 4% ज्यादा ब्याज मिलती है, 4% ज्यादा दर मिलती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले साल भी 4% ज्यादा मिलेगी, पहले साल फर्स्ट ईयर, पहले साल भी फर्स्ट ईयर भी क्या होगा, 4% ज्यादा मिलेगी, पहले साल भी 4% ज्यादा मिल रही होगी, जब पहले साल मिल रही है दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, दूसरे साल भी क्या होगी 4% ज्यादा मिल रही होगी, ऐसे तीसरे साल भी, और ऐसे ही लास्ट फोर्थ ईयर में भी 4% ज्यादा दर क्या हो रही होगी, ओवरऑल आपको दोस्तों कितने परसेंट ज्यादा दर मिल गई, 4, 4, 8 और 4, 12, 4, 16%
आपको 16% ज्यादा दर मिल गई और यहाँ क्वेश्चन में 160 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक 16% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 160 रुपए की। और 16 से आप जब 160 को काटोगे 10 बार कट जाएगा तो 1% की आपको कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1% की आपके पास आ जाएगी 10 रुपए। 1% की वैल्यू 10 रुपए है दोस्तों, तो यहाँ पे 100% की कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपए। और कोई भी राशि दोस्तों अपने आप में क्या होती है, 100% ही होती है। तो यहाँ पर वह राशि जो 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जा रही थी वो दोस्तों आपकी कितनी होगी, 1000 रुपए। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, मैं उतारता हूँ, सॉरी मिटाता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप सीधा साफ था कि यदि 4% ज्यादा दर से दी जाती, कोई भी राशि है 4% ज्यादा दर से दी जाती, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले साल में 4% ज्यादा दी गई होगी। और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 4 वर्ष के लिए दी जा रही है, तो पहले साल में 4% होगी, ऐसे दूसरे साल में भी 4%, तीसरे साल में भी 4%, चार और चौथे साल में भी 4% दी जा रही होगी, जो कि बात 4 वर्ष के लिए कर रहा है। ऑल ओवर आपको कितने परसेंट ज्यादा दर दी गई, 16%, और क्वेश्चन में 160 के वो क्या बराबर है, तो 16% की वैल्यू 160 के बराबर है, तो 1% की 10 आ गई, 100% की वैल्यू 1000 रुपए आ गई। यही आपकी क्या राशि है, क्वेश्चन बता दीजिए, मैं इसे क्या करता हूँ दोस्तों मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और कह रखा है कि अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपए 560 इन 3 ईयर while 5 years it amount to rupee 600. So find the sum and the rate of interest ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि कोई राशि है 3 वर्ष में कोई साधारण ब्याज की दर से 560 रुपए हो जाती है, जबकि 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि और दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि क्या कह रखा है देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी राशि, तो जाहिर सी बात है पहले प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है नहीं पता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है तो ये कह रखा है इसने कि कोई भी राशि थी प्रिंसिपल अमाउंट था, 3 वर्ष में कितना हो जाता है किसी भी साधारण ब्याज की दर से 560 रुपए हो गया, तो यह कितनी हो जाती है 560 रुपए। कितनी साल में, टाइम आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष में कोई भी अमाउंट 560 रुपए हो जाता है। अब बोलता है कि जबकि 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है, 5 वर्षों में, इसका मतलब 3 वर्ष में 560, तो 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में दोस्तों 5 वर्षों में 600 रुपए कितना हो रहा है, 600। यहां देखिए कि 3 वर्षों में कोई भी अमाउंट 560 रुपए हो रहा है, वही जो राशि है वो 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 5 वर्षों में आपकी 600 रुपए हो रही है। तो आप यहां देखिए एक चीज मेरे पास बताइए कि जब यहां पर 3 वर्ष हो गया, टोटल टाइम कितना है 5 वर्ष है, तो यहां 3 वर्ष है तो यहां पर बचा कितना होगा दोस्तों, 2 वर्ष होगा, सही है ना, यहां 3 वर्ष है तो यहां 2 वर्ष होगा, और तभी जो टोटल 5 वर्ष है 600 रुपए हुई होगी। यहां देखिए कि राशि 560 थी, कितनी हो गई, 600 हो गई, 2 वर्षों में देखिए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना था, यहां पर इंटरेस्ट कितना लगा, यहां देखोगे तो 560 रुपए की राशि कितनी हो रही है, 600 रुपए, कितनी हो रही है 600 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ कि 560 600 हो रही है तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा दोस्तों, 40 रुपए लगा होगा ना। अब ये इंटरेस्ट जो 40 रुपए आया है, इंटरेस्ट कितना है 40 रुपए आया है, ये 2 वर्ष का है। अगर हम यहां से 1 वर्ष का देखें तो एक साल का यहां से दोस्तों इंटरेस्ट निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, जब 2 साल, चूंकि यहां से 560 थी 600 हो रही है, तो 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना लगा था 40, तो 1 साल में कितना होगा 40/2 = 20 रुपए। तो यहां से 1 साल का इंटरेस्ट दोस्तों कितना आ गया, 20 रुपए। जब 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपए है, यहां पर 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा,
तीन वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, तो तीन वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एक साल का 20 है तो तीन का बड़ा कर दो 20 किया 60 रुपए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा 60 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पर तीन वर्ष में इंटरेस्ट कितना लगा होगा 60 रुपए, तब जाकर के ये कितनी होगी 560। तो यहाँ पर दोस्तों राशि कितनी हुई होगी 500 हुई होगी ना, कितनी 500 रुपए, 500 रुपए हुई होगी या राशि 560 होगी, तीन वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट ने 60 दिया होगा तब राशि 560 हो गई होगी, और दो वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट का 40 है तो राशि 600 हो गई होगी। तो आपसे यही पूछ रहा था कि राशि कितनी होगी, तो दोस्तों राशि कितनी निकल के आ गई, राशि आपके पास आ गई 500 रुपए। अब आपसे पूछा रेट बताइए 5 साल, तो रेट आप क्या करोगे कि 500 रुपए की राशि थी हो कितनी रही है 600 रुपए की हो जा रही है। टाइम कितना है T=5 साल है, यहां देखिए 5 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 5 साल में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया आपने, यहाँ आपने दिया 500 कितना हो रहा 600, तो 100 रुपए दिया ना। अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि हम जब रेट निकालते हैं और रेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज या इंटरेस्ट क्या कहलाता है, रेट होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 500 को क्या करोगे चेंज, 500 को किसमें चेंज करोगे 100 में, तो भाग किससे करोगे 5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 रुपए आ गया। जब आपने यहां पर 5 से आपने यहां भाग दिया तो आपको 5 से यहां पर भी भाग देना पड़ेगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 से 5 10 20 रुपए, और यहां पर जो टाइम होगा दोस्तों टाइम कितना रह जाएगा 100 रुपए पर 5 साल में लगने वाला ब्याज कितना है 20 रुपए है, तो वही एक वर्ष में निकालना है T=1 year, एक वर्ष में कितना आ जाएगा आपके पास, एक वर्ष में आ जाएगा 5 से भाग कर दिया 20/5=5/20 कितना आ जाएगा 4%, ये 4% क्या हो जाएगा दोस्तों रेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया सीधा सीधा जो डेफिनेशन थी आपकी रेट की डेफिनेशन यही बोलती थी कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट है, मैंने उसी डेफिनेशन से क्या किया कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज जो 4% आया वही क्या रेट आ गया। अगर आप बोलते हो कि सर नहीं ये थोड़ा लॉजिक है, मैं बोलूंगा बेटा लॉजिक है इसे याद रखो, लॉजिक अच्छा है आप दिमाग से सॉल्व कीजिए, और नहीं तो आप क्या करोगे वही सीधा सा कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है PRT/100, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आ गया 100, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है दोस्तों 500। रेट आपके पास है नहीं है निकालना है, टाइम है कितना है 5/100 नीचे है, 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, आप क्या करोगे ये 5 1 25 हो जाएगा, 25 को 100 से काटोगे आप तो 2500 चार बार कटेगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4%। या तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो ठीक है सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 से, या फिर आप क्या कीजिए डेफिनेशन जो होती है कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट है उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जिस तरीके से चेक कर सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बता दीजिए इसे, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां, आप इसे मैं इसे क्या करता हूं मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14, और 14 में कह रखा है कि अ मैन हैड रुपए 200 पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 5% एंड द रेस्ट एट 4%, द होल एनुअल इंटरेस्ट वाज रुपए 92, तो हाउ मच डिड ही लेंट एट 5% लेंट एट 5%। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि एक आदमी था 2000 रुपए की राशि है कुछ भाग उसने 5% की ब्याज की दर से उधार दिया, बचा हुआ वो 4% की दर से क्या करता है उधार दे देता है, यदि साधारण ब्याज उसे 92 रुपए क्या होता है प्राप्त होता है तो 5% की दर से कितनी राशि वो क्या करता है उधार देता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यदि आपको थोड़ा सा भी याद हो, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा भी आपको याद हो, और वो भी याद क्या हो कि मैंने जो परसेंटेज में दोस्तों जो कराए थे क्वेश्चन की एक फार्म हाउस था उसमें कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं
और उन कुत्ते बिल्लियों में कुछ बिस्किट थे, वो बिस्किट कुछ बिल्ली खा जाती है कुछ कुत्ते खा जाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है, होता है कि कुल इतने बिस्किट थे और उनमें कुल कुत्तों की संख्या तथा कुल बिल्लियों की संख्या क्या करो ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने क्या बोला था कि आप क्या करोगे कि ओवरऑल कोई एक वैल्यू को मानो, उस ओवरऑल वैल्यू को मानना मतलब जूनियर वैल्यू को मानो और उस पर क्या कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऐसे इसमें भी इसी क्वेश्चन में देखिए क्या ऐसे कैसे सॉल्व करोगे कि आदमी था 2000 रुपए थे उस पर, 2000 में से दोस्तों क्या करता है कि कुछ भाग जो 5% है उसको ब्याज की दशा उधार देता है और इसका जो कुछ भाग बचा शेष जो भाग बचा उस शेष भाग को दोस्तों क्या करता है क्या करता है कि 4% की दर से क्या करता है बोरो करता है उधार देता है। ठीक है, 5% बोरो दिया 4% बोरो दिया। तो मैंने आपसे यहाँ पे ये बोला था कि आप इसे क्या करोगे कि इसको 4% + 1% कर दीजिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों में ही जो कॉमन भाग है इस कॉमन भाग को मैंने आपसे बोला था कि यही जूनियर वैल्यू है ओवर। इसका क्या मतलब हुआ कि आदमी 20 रुपए की राशि का 20 रुपए की राशि को 4% की दर से क्या करता है उधार देता है, 4% की दर से उधार देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 20,000 रुपए थे, 20,000 को 4% के रेट को उधार दिया, मतलब 4% का मतलब क्या हुआ 4% उड़ाने के लिए 100 से भाग देते हो, 0 से 0, 0 से 0 से आपके पास आ जाएगा 4×8 = 80 रुपए। तो दोस्तों आपको जब आपने 2000 रुपए की राशि 4% की दर से क्या किया उधार दी तो आपको 80 रुपए का क्या मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 80 रुपए का क्या मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 80 रुपए का। परंतु अब जब क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन में ये जो साधारण ब्याज है वो क्वेश्चन में तो साधारण ब्याज 92 रुपए मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन में आप देखोगे तो 92 रुपए क्या मिल रहा है, 92 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यहां बड़ा दुख हुआ यार, 80 रुपए मिलना चाहिए था, 92 रुपए कैसे मिल गए, कितना ज्यादा मिला दोस्तों, इसको ज्यादा मिल गया 12 रुपए, 12 रुपए क्या हुआ दोस्तों, सॉरी 12 रुपए क्या हुआ ज्यादा मिल गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये जो 12 रुपए जो ज्यादा मिल रहा है किस वजह से मिला, आखिर मिला क्यों इसे? दोस्तों इसलिए मिला क्योंकि हमने यहाँ पे किया है कि 5% को 4% + 1% लेकर रखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 1% है ये छूटा हुआ है और इसी 1% की वजह से दोस्तों 12 रुपए क्या मिले एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब यहाँ दोस्तों हो गया कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 रुपए है। जब 1% की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे दोस्तों 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 से भाग गुणा कर दीजिए कितनी आ जाएगी 1200 रुपए, कितनी 1200 रुपए। और यही जो 100% है दोस्तों कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है 100% ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपए, तो 100% की वैल्यू सॉरी 1% की वैल्यू 12 रुपए तो 100% कितनी आ जाएगी 1200 रुपए। ठीक है, एक परसेंट की वैल्यू दोस्तों 1200, जब 1% की वैल्यू दोस्तों 1200 रुपए है यहीं से 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1200 रुपए। 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू 1200 रुपए। आप मेरे को एक चीज बताइए कि इस व्यक्ति ने ये जो 1% है वो कहां पे एक्स्ट्रा थी 5%। तो इसका मतलब यहां दोस्तों ये हुआ कि इस व्यक्ति ने 5% की रेट पर 5% के रेट पर सॉरी 5% के इंटरेस्ट पर 5% के इंटरेस्ट पर कितनी राशि उधार दी होगी 1200 रुपए, कितनी राशि 1200 रुपए। 2000 रुपए की राशि थी, 1200 से 5% की दर से दे दी तो 4% के लिए कितनी इसने बोरो दी होगी 800। और ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है कि 5% की दर से 5% ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से कितनी राशि उधार दी होगी। तो दोस्तों 5% की दर से कितनी दे रहा है 1200 रुपए तो दे रहा है, क्वेश्चन हो गया बता लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 1600 रुपए की राशि किसी दर से 5 वर्ष में 1840 हो जाती है। 1600 की राशि थी, किसी दर से 5 वर्ष में 1840 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 5 वर्ष के बाद वे कितनी परसेंट हो जाएगी? तो वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक केस की बात करूं। सपोज करो कि आप किसी फाइनेंसर के पास गए और फाइनेंसर से आपने सपोज 2000 रुपए क्या किए? उधार लिए, ठीक है, कोई भी राशि हो सकती है। जाकर के आपने फाइनेंसर से क्या किए? उधार लिए। और फाइनेंसर ने आपको जब उधार देगा तो जाहिर सी बात है कोई फाइनेंसर फ्री में तो नहीं देता। सपोज करो आपको 3% की दर से फाइनेंसर ने क्या किया? उधार दिया। आप लेने से पहले आप सोचने लगे यार क्या होगा। अब क्या हुआ कि जो फाइनेंसियर था वो फाइनेंसियर दोस्तों आपके दोस्त का दोस्त था। ये पूरी की पूरी कहानी अपने अपने दोस्त को बताई और दोस्त ने उस फाइनेंसियर से बोला कि ये मेरा दोस्त है, इससे आप क्या कीजिए कि रेट को कम कर लीजिए। तो वो बोलता चलो क्या कर सकता हूँ यार, मैं 3% रेट दे रहा हूं, तो ऐसा करो मैं 3% को क्या करता माफ कर देता हूं। अब मैं जितना प्रिंसिपल अमाउंट आपको दू आप मेरे को उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट में पैसा मेरे को वापस कर दिएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेट वहां पर क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी क्वेश्चन में दोस्तों यही होने वाला है। देखो क्या होने वाला कि 1600 रुपए की राशि थी दोस्तों, 1600 रुपए की राशि थी और ये जो 1600 की राशि 1840 हो गई, 1840 हो गई। टाइम आपको दे रखा है कितने साल में? 5 वर्ष। अब मैंने आपसे यह बोला था कि 5 वर्ष में चलो ठीक है, अब 5 वर्ष में हो गई। अब आपको क्या करना है यहां पर, आप ये देख लीजिए कि रेट कितने रेट में ये आपको दी गई थी, कितने रेट में 5 वर्ष में। अब मैं आपसे बोलू 5 साल में, तो यहां पर आप देखोगे कि 1600 की राशि थी कितनी हो रही है? 1840 हो रही है। तो यहाँ पे ब्याज कितनी है? यहाँ ब्याज देखोगे आप दोस्तों तो ब्याज आपको मिलेगी यहाँ पर 240 रुपए, क्योंकि 1600 थी और 1840 हो रही है। तो 5 साल में आपको ब्याज कितनी मिली? 240 रुपए। अब आपको क्या करना है कि या तो आप क्या कहिए यहाँ से सीधा रेट निकाल लीजिए, आर इज इक्वल टू ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है? 240 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1600। रेट आपको निकालना है, टाइम 5 साल है, डिवाइड बाई 100 नीचे है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहां से करोगे तो यहां देखोगे आप ये 16 और 5, 16 पन्ना 80 हो गया, 16 का 5 में करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 80 आर। 80 आर की वैल्यू जो है दोस्तों कितनी है आपके पास? 240। यहां से 0 से 0 काटोगे, 8 थी 24, यहां आपके पास रेट की वैल्यू निकल के आई 3%। या तो आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रेट निकालिए, या फिर क्या है कि आप सीधे सीधे रेट निकालने के लिए क्या होता है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। यहां पे सबसे पहले आपको ये 100 रुपए बनाना पड़ेगा, 100 रुपए बनाने के लिए आपको यहाँ पे कितने से भाग देना पड़ेगा? 16 से। तो 16 से आप यहाँ पे भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 100 रुपए। टाइम आपके पास है कितना? 5 साल है। जब 1600 यहाँ पे, जब 16 से आपने भाग दिया तो यहाँ पे भी आपको 16 से भाग देना पड़ेगा। 240 में 16 से भाग दीजिए, 240 में बटे 16 काटो से, 16 एक 16 8, ये बचा 8 80 हो गया, 16 5 80, तो 16 मल्टीप्लीकेशन 5 = 18, तो ये हो जाएगा 15। तो ये जो 15 निकल के आया दोस्तों ये क्या है? अब आप जब आप देखते हो कि 100 रुपए पर 5 साल में आए, आपको कितना चाहिए? 1 साल में। तो 1 साल में निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से 15 में 5 से भाग देना पड़ेगा, 15 में 5 से भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3%। तो ये 3% क्या है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज
यही क्या होता है, रेट होता है। तो यहाँ से रेट की वैल्यू या तो ऐसे रेट की वैल्यू निकालो 3% आएगा, या तो फिर ऐसे निकालो अगर फिर भी 3% आएगा। अब क्वेश्चन में आगे आपसे बोल रखा है कि यदि ब्याज की जो दर है वो 3% घटा दी जाए तो 5 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों क्या था कि 1600 की आपके पास राशि थी, 5 वर्ष में टाइम इज इक्वल टू 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 1840। यहां आपने सॉल्व किया, यहां आपने सॉल्व किया, तो यहां से आपके पास रेट कितना आ गया, रेट आपके पास 3% आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रखा है यदि ब्याज की दर 3% क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। ब्याज पहले 3% ले रखा थी उसने, अब उसने क्या कर दिया 3% घटा दी, तो ब्याज कितनी रहेगी दोस्तों आपके पास, ब्याज आपके पास रहेगी 0%। जब ब्याज 0% है आपसे बोल रखा है कि 5 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष ले लो, 20 वर्ष ले लो, 50 वर्ष ले लो, 100 वर्ष ले लो, 1,00,000 वर्ष ले लो, यदि रेट 0 है तो जितनी राशि थी उतनी की उतनी ही राशि रहेगी। तो 1500 रुपये 1600 की राशि थी, 5 वर्ष के बाद भी वो कितनी रहेगी, 1600 ही रहेगी। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएल में क्या हो चुका है, आ चुका है। बीपीएससी में भी कभी कभी इस क्वेश्चन को क्या कर लेता, पूछ लेता है। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं डाल दूं। अगला क्वेश्चन, सभी कंसेप्ट हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ रुपए 2525 इज लेट आउट इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 7% फॉर 4 ईयर इज इक्वल टू दैट ऑन एनोदर पार्ट एट 6% फॉर 7 ईयर। So find the difference between the two parts. Find the difference between two parts. ठीक है। और अब next question देखते हैं दोस्तों, question number 16। और इस question number 16 में दोस्तों क्या है कि a sum of रुपए 2525 is let out in two parts in such a way that the interest on one part at 7% for 4 years is equal to that on another part of at 6% for 7 years. So find the difference between the two part of the sum. So ये जो question है दोस्तों, question number 16, 2525 रुपए की राशि थी, दो भागों में क्या किया गया, निवेश किया गया। पहले भाग पर 7% ब्याज की दर से, 7% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, और दूसरे पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त ब्याज, के दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों भागों का क्या पूछ रहा है, अंतर। आप मेरे को एक चीज बताइए कि 2525 रुपए की राशि थी, ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग। पहले भाग को दोस्तों क्या किया जा रहा है कि 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, 4 वर्ष के लिए क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। 4 वर्ष के लिए पहला भाग इन्वेस्ट किया जाएगा 7% ब्याज की दर से। तो 7% ब्याज की दर से चार वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया, 4 वर्ष में मिला ब्याज कितना होगा दोस्त, 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 7%, तो 4 वर्षों में कितना मिलेगा, 728 आपके पास कितना आ गया, 28% ब्याज ऑफ फर्स्ट पार्ट, ऑफ फर्स्ट पार्ट।
वहीं आप सेकंड देखोगे, सेकंड में क्या कर रहा है कि 6% वार्षिक दर से, मतलब एक वर्ष में 6% क्या करता है ब्याज मिलती है, तो 7 वर्ष में कितनी मिल रही होगी दोस्त से 6% ब्याज की दर से 7 वर्ष के, तो कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42% ऑफ सेकंड। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि चौथे वर्ष 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 7 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दोनों ही क्या है बराबर है, तो पहले पर 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 28%, तो मैं लिख दूं से 28% ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट बराबर दूसरे मिला 42 42% ऑफ सेकंड पार्ट। यहां आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाई सेकंड पार्ट, मैंने आपको सेपरेशन करना सिखाया था, ऐसे फर्स्ट पार्ट इन्होंगा तो लिख लेंगे, सेकंड को नीचे लेके आ जाएंगे और 28% को 42 के नीचे आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 42/28। अब आप देखिए एक बट ये फर्स्ट पार्ट डिवाइड बाई सेकंड पार्ट कितना आ गया 42/28, ये देखिए आप किसी से कट रहा है 7 से काट नहीं किया आपसे, इससे भी 7 से काटोगे तो 7 × 6 = 42 ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा 7 से आप काटोगे 7 × 4 = 28 ये 4 ठीक है, और भी कट जाएगा यार 2 से काट दिए ये हो जाएगा 2 3 और ये 2 आ, तो ये आपके पास दोस्तों आ गया 3/2 3:2। तो पहले पार्ट पर मिला ब्याज कितना है 3:, पहले पार्ट पर मिला ब्याज 3:, दूसरे पार्ट पर मिला ब्याज कितना है दोस्तों 2:। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों भागों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो पहला भाग कितना आ गया दोस्तों 3:, है दूसरा भाग कितना आ गया 2:, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस जो होगा दोस्तों कितना आ जाएगा 1:। अब दोस्तों यदि हमें कहीं से भी 1:00 की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा इन दोनों पार्टों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, सही बात है ना, तो वो कैसे मिलेगा आपको मैं बता देता हूं वो कैसे मिलेगा, यहां देख लीजिए आप दिख रहा है ठीक है, तो यहां देखोगे हमारे पास दो पार्ट है, हमारे पास दोस्तों कितने पार्ट है दो पार्ट, पहला पार्ट 3:00 है दूसरा पार्ट 2:00 है, जब आप इन दोनों पार्टों दो पार्ट है हमारे पास मतलब निवेश की जा रही है वैल्यू, तो एक में 3:00 दूसरे में 2:00 निवेश की जा रही है, जब दोनों को भागों में निवेश कर दोगे टोटल वैल्यू कितनी निवेश किया आपने दोनों भागों 2525, तो 3:00 और 2:00 टोटल ही तो है, तो कितने के बराबर है 2525 के, यहां देखोगे जो 5:00 आ गया 5:00 की वैल्यू कितनी है 2525, यहां से 1:00 वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1:00 की आप जब वैल्यू निकालोगे यहां से 25 ये 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 में दोगे तो 25 में दोगे तो 5 0 5, तो ये 1:00 की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ गई 505 505, जब 1:00 की यहाँ पर यही हमसे पूछ रहा था आपसे 1:00 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 505। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों भागों का जो अंतर होगा वो कितना आ गया ₹550, ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना था और लॉजिक आप लगा चुके हैं और जैसे आपने लॉजिक लगाया आंसर आपके पास है ठीक है, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट देखते हैं ठीक है, मैं मिटा देता हूं उसे, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% एनम, एट व्हाट रेट परसेंट विल इट बिकम, इट बिकम 7 times, इट बिकम 7 times ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि कोई राशि थी खुद का 8% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो गई यदि और ये गुना हो जाती है, यह किस ब्याज की दर से खुद का कितना हो जाए 7 गुना हो जाएगी,
तो दोस्तों क्या है कि ये स्टेप्स के मैंने क्वेश्चन आपको बता चुका था, पहले भी क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है, आपको बता दे इसी में सिंपल इंटरेस्ट में, और कोई नहीं आप निकाल सकते हो, नहीं तो मैं निकाल ही देता हूँ, कोई भी जांच थी आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, तो मैं याद है फॉर्मूले से कर लीजिए आप। इसमें क्या पूछ रखा है दोस्तों, 8% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से टाइम निकालिए, t = n - 1/r × 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, तो n की वैल्यू कितनी है 5, वैसे 1 डिवाइड बाई रेट कितना है 8% है, और गुणा 100 से, इसमें क्या करूँगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/8, 8 से काटोगे तो 1/2 × 100, ये काटोगे आपके पास कितना आ जाएगा 50 साल, कितना आ गया 50 साल, वही आपको रेट पूछ रहा है, रेट इज इक्वल टू क्या करोगे n - 1/t, n की वैल्यू कितनी है 7 गुना हो रही है यहाँ पे, 7 - 1/10 कितना निकाला आपने 50 × 100 करोगे आपको, 100 से 50 को काटोगे यहाँ से, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचा, ऊपर 2 है, मल्टीप्लीकेशन में तो चल नहीं पा रहा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12%, ये तो मैंने ऐसे ही 100% क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है 12% इसका आंसर आ गया, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, नहीं तो दूसरा तरीका मैंने भी आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि कोई भी राशि है, एक राशि थी खुद का कितनी हो जाती है 5 गुना हो जाती है, टाइम आपके पास यहाँ पे क्या है नहीं पता है, परंतु रेट आपको पता है कितना है 8% है, अब यही एक 7 गुना होने में टाइम आपको पता नहीं है, तो रेट भी आपको क्या है यहाँ पे नहीं पता, ये ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि यहाँ से आप क्या कीजिए, टाइम या रेट आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से टाइम निकालिए, यहाँ पे अब जब टाइम निकाल लोगे तो यहाँ से रेट आप देख लीजिए और फिर उसके बाद टाइम यहाँ से निकाल लीजिए, कोई नहीं ऐसे ही आप कोशिश करना घर पर ऐसे करने की, ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और ये तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन जो भी बताया था सॉल्व करके बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि एक व्यक्ति था और उसने अपने दो पुत्रों जो कि एक चार की आयु 14 वर्ष की थी और दूसरे की आयु 16 वर्ष की थी, ठीक है, इन दोनों के खातों में 3900 रुपए 3900 रुपए इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब वो एडल्ट मतलब 18 वर्ष के हो जाए तब उन्हें बराबर राशि मिल जाए, यदि इंटरेस्ट की जो रेट है मतलब ब्याज की जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% एनुअल हो तो छोटे पुत्र के खाते में जमा की गई राशि कितनी होगी, ठीक है, छोटे पुत्र के खाते में आप मेरे को एक चीज बताइए कि टोटल रुपया कितना है, टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है दोस्तों 3900 रुपए, टोटल पैसा है 3900 रुपए, उसका एक तो स्मॉल बेटा है स्मॉल सन और इसकी जो आयु है दोस्तों कितनी है 14 वर्ष, वही दूसरी बात करेंगे तो दूसरा क्या है बिग सन है वो, और उसका जो बिग सन है उसकी दोस्तों आयु कितनी है 16 वर्ष है, आपसे यह बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% वार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है, अब जमा जो पैसा किया है 3900 रुपए दो भागों में, ठीक है,
तो यहां पे ये बोला गया है कि 14 वर्ष का जो बेटा है उस 14 वर्ष के बेटे को पैसा जब मिलेगा, जब वो कितना हो जाएगा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो इसको दोस्तों ब्याज कितनी मिलेगी, 2 वर्ष के लिए ब्याज मिली होगी, 2 वर्ष के लिए ब्याज मिली होगी, 2 वर्ष के, 1 वर्ष के लिए ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों इस पे ब्याज कितनी मिली होगी, 2 वर्ष के लिए 20%। तो पहले वाले बेटे को दोस्तों टोटल कितनी ब्याज मिली होगी, 20%। दूसरी चीज, बड़ा जो बेटा है वो 16 साल का, सॉरी यहां पर हम गड़बड़ कर गए, गड़बड़ ये कर गए कि 2 साल या 14 वर्ष का बेटा था, 18 होने में इसे कितनी वर्ष लगेंगी, 4 वर्ष, 14 4 18 होते, ठीक है, सॉरी माफ करना है। तो 14 वर्ष का बेटा उसको 4 वर्ष के लिए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि 14 वर्ष का है और पैसा इसे कब वापस मिलेगा, बैंक पैसा कब देगी, जब वो एडल्ट मतलब 18 वर्ष का हो जाएगा, 1 साल के लिए इंटरेस्ट 10% है, तो 4 वर्ष के लिए कितना मिलेगा इसे, 40%। तो पहले छोटे वाले बेटे को बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, 40% का। वही हम सेकंड देखें कि जो बड़ा वाला सन है उसकी एज 16 वर्ष है, बैंक से इसे बैंक पैसा जब ही देगी तब ये क्या हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का था, 18 वर्ष होने में से कितना और टाइम लगेगा, 2 वर्ष, तो बैंक से इंटरेस्ट जो देगी वो कितने वर्ष के लिए देगी, 2 वर्ष के लिए, और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए इसे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 20%। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि पहले जो था पिता, पिता ने 3900 रुपए बैंक को दिए, बैंक ने छोटे वाले के बेटे, छोटे वाला जो बेटा था उसके खाते में कुछ ना कुछ क्या किया होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया होगा, अमाउंट जमा किया होगा ना, तो पहले वाले की राशि जो जमा की होगी, प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया होगा, अपने 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा। अब इस 100% जमा था इसके खाते में, अब बैंक इसको 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट और इंटरेस्ट दे रही है, 40%। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको रिटर्न कितना मिल रहा होगा, पहले वाले बेटे को 140% का क्या मिल रहा होगा रिटर्न। वही बड़ा वाला जो बेटा है 2 वर्ष के लिए 20% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगी, 100% इसके खाते में पहले से ही जमा है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 + 20 = 120%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 140% ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू 120% ऑफ बिग। मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे आपसे बोल रहा है कि तब उन्हें बराबर राशि मिल जाए जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे, और 18 वर्ष में देखोगे पहले छोटे वाले बेटे को 18 वर्ष में 140% का रिटर्न मिल रहा है, वही देखोगे बिग सन को बड़े वाले बेटे को 2 वर्ष में कितने का मिल रहा है, 120% का क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर 140% ऑफ फर्स्ट स्मॉल इज इक्वल टू 120% ऑफ बिग, आप इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो स्मॉल डिवाइड बाई 140 को नीचे ले आइए 120 के, तो ये हो जाएगा 120/140, 0 से 0 कैंसिल आउट, आप इसे 2 से काटिए, 2 × 12 = 2, तो ये आपके पास आ गया 6:7। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अब बोल रखा है कि तो छोटे पुत्र के खाते में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। आप यहां एक चीज देखिए कि स्मॉल जो बेटा था उसके खाते में कितनी राशि जमा की गई है, 6:6। वही बड़े वाले बेटे के खाते में देखोगे तो आपको कितनी राशि जमा की गई है, 7:7। अब ये छोटे वाले के खाते में जमा की गई राशि है, बड़े वाले के खाते में जमा की गई राशि, अगर आप यहां पे देखोगे तो टोटल जमा की गई राशि कितनी है, टोटल जमा राशि, तो दोस्तों टोटल जो जमा राशि है वो कितनी है, छोटे वाले के में 6:6, बड़े वाले के में 7:7, और ये टोटल राशि कितने के बराबर है, 3900 के, 3900 रुपए। 7 और 6 देखोगे आप तो ये 13:7 हो जाएगा, 13:7 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3900 रुपए के, 13 से 39 को काटोगे तो 3 बार कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 300 रुपए। तो यहां से 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपए। जब 1:1 की वैल्यू 300 है तो दोस्तों 6:1 की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 300, तो ये कितना हो जाएगा, 1800 रुपए।
जब एक रेशियो की वैल्यू 300 है तो सात रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 रुपये है ना, सात का गुणा कितने करो 300, ये हो जाएगा 2100। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि छोटे पुत्र के खाते में, तो छोटे वाला पुत्र कौन सा है, छह रेशियो वाला, तो छोटे वाले पुत्र के खाते में कितनी जमा कर दी राशि 1800 रुपए। अगर आपसे क्वेश्चन में बड़ा बड़े बेटे के खाते में कितना जमा किया है वो ही पूछता तो हम वो भी निकाल देते, तो कितनी आ जाती 2100 रुपए आ जाती। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा 2100 रुपए, आंसर 1800 रुपए। बता लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, मैं डाल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, और नेक्स्ट चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उस वो भी ऐसे ही सिंपल सिंपल फंडे उसको भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा पेशेंस रखो और धीरे धीरे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, और मैं हो सकता है कि डेली क्लास हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कई एग्जाम है जो पास आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी रीजनिंग भी बची हुई है, रीजनिंग को भी क्या किया जाए बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट ऑफ रुपए 560 इन 3 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो कौन सी राशि 3 वर्ष के बाद 4% की दर से 560 रुपए का मिश्रधन देगी, कौन सी राशि, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं बोल रहा है कौन सी राशि 3 वर्ष के बाद 4% की दर से 560 रुपए का मिश्रधन देगी। तो दोस्तों मिश्रधन जो होता है, मैंने आपसे बोला था कि ये जो मिश्रधन है, ये जो मिश्रधन है, मिश्रधन होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और दोस्तों मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। और मैंने आपसे एक चीज भी यहां करूं डिस्कस कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अब इस 100% में दोस्तों इंटरेस्ट अगर जोड़ दिया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन के बराबर आ जाएगा। यहां देखिए 3 वर्ष के बाद 4% की दर से, 4% की दर से, अभी दोस्तों रेट जो होता है रेट एक वर्ष के लिए निकाला जाता है, क्योंकि 100 रुपए पे एक वर्ष पर लगने वाला ब्याज क्या होता है, रेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है पर एनम, तो यहाँ से एक वर्ष का 4% है तो 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 12, तो ये 12% बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 560 रुपए, 100% है प्रिंसिपल अमाउंट पहले से ही, 12% और इसमें जोड़ दिया गया तो मिश्रधन बन गया 112, कितना हो जाएगा 112%, 112% की वैल्यू कितनी है 560 रुपए। यहां जब काटोगे 112 से 560 को काटो, 5 का मल्टीप्लिकेशन करो 12, ये हो जाएगा 560, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपए, 1% की वैल्यू 5 रुपए। तो आपसे बोल रखा है कौन सी राशि, और ये जो राशि अपने आप में दोस्तों कितनी है 100% है, 1% की वैल्यू 5 रुपए है तो 100% की कितनी हो जाएगी 500 रुपए। तो दोस्तों वो जो राशि है जो पूछ रहा है वो राशि कितनी होगी 500 रुपए होगी। इसका आप क्या कीजिए आंसर निकाल, आंसर बता दीजिए, इसका आंसर दोस्तों दे रखा था 540 500 550, पहला था 540, दूसरा था 500, और तीसरा ऑप्शन में था 400, और चौथा था 560। आंसर क्या निकल गया है 500, आंसर होगा दूसरा 500। बता दो, मिटा देता हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपए 750
will be less than the interest of rupee 900 at 8% simple interest by 60. So find out. क्या है कि 8% ब्याज की दर से 900 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज 60 रुपए ज्यादा होगा यदि 750 रुपए पर दिया होता. यदि 750 पर दिया होता तो समय ज्ञात कीजिए. कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि आपके पास 900 रुपए और 750 रुपए की बात कर रहा है और आपसे बोल रखा है कि 800 रुपए पर सॉरी 900 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज 60 रुपए ज्यादा प्राप्त होता यदि यही 8% 750 रुपए पर दिया होता. तो हम देख लेंगे कि 900 पर प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट में से 750 पर प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है. का डिफरेंस कितने के बराबर हो रहा है वही हमारा क्या होगा. ठीक है वही से हमारा टाइम डिफाइन हो जाएगा. तो यहां पे आप एक चीज देखिए कि 900 रुपए थे हमारे पास. 900 रुपए पर ये रेट पूछ रेट बोल रहा है. रेट कितना है 8%. टाइम नहीं बताया. 900 थे. हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100. ठीक है PRT/100 और यही अब बोल रहा है कि यदि 900 रुपए पर 8% ना मिल करके 750 पर रेट 8% मिल रहा होता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना ज्यादा आ रहा होता 60 ज्यादा आ रहा होता. मतलब यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो PRT/100. ठीक है यहां प्रिंसिपल अमाउंट देख लीजिए कितना है 750 और रेट आपको पता है 8%. टाइम नहीं पता है डिवाइड बाय 100. यहां देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट 900 है. रेट आपको दे रखा है 8%. टाइम देखोगे कितना है नहीं पता डिवाइड बाय 100. तो इसलिए ये बोला था कि 900 पे 8% ना निकल के 750 पे 8% निकालोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए ज्यादा प्राप्त होगा. इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहां पर अगर देखोगे आप यहां पे निकालोगे जो सिंपल इंटरेस्ट और यहां पे जो आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट इसका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है इसने 60 रुपए. वही तो ज्यादा निकलेगा ना. ठीक है तो यहां पे आप निकालो सिंपल इंटरेस्ट देखोगे तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा कि यहां 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी. यहां 1 जीरो से ये 750 वाली जीरो चली जाएगी. ठीक है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहां से 972 माइनस यहां आप देखोगे तो आपके पास 5 से आप काट सकते हो उसे. ये 5 से आप काटोगे तो 5 × 5 ये और ये हो जाएगा 25 15 बार कट गया. यहां 2 बचा 2 से 8 को काटो कितनी बार कट गया 4 बार 15 × 4 = 7 तो ये हो जाएगा 60t. और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों कितने के बराबर दे रखा है 7 के. तो आप यहां देखोगे दोस्तों तो ये कितना निकल के आ जाएगा 72 में से 60 जाएगा तो 12t की वैल्यू कितनी है 7. तो यहां से 12 से 60 को आप काटोगे तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 5 ईयर्स. ये क्या आ गया ये आपका क्या दोस्तों आंसर है. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके आपको. ये जो आंसर है दोस्तों इसमें है चौथा. ये चौथा कौन सा आंसर ये इसका क्या आंसर कुछ नहीं है. लॉजिक क्या है उसे आप पहचानिए. ये बोल रहा है कि 8% ब्याज 900 रुपए पर ना दे करके कितने पे दी गई होती 750 पर दी गई होती तो 60 रुपए क्या होता 7 रुपए ज्यादा. यदि आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट और यहां का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आना चाहिए 60 रुपए आना चाहिए. और यहां पे आप देखोगे सॉल्व करोगे तो यहां से टी की वैल्यू आपको डिफाइन हो जाएगी कितनी 5 साल. डाल लीजिए आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल देता हूं मैं. और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 देखते हैं. ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है. ये 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे इसका और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट कल से स्टार्ट करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 21 द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% फॉर 4 ईयर एंड 6% फॉर 3 ईयर्स इज 20 इज रुपए 20 सो फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ठीक है तो हमें वो राशि ज्ञात करनी है तो किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से और 4 वर्ष के लिए 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितना है दोस्तों 20 रुपए है प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितना है 20 रुपए है तो वह राशि ज्ञात कीजिए आप एक चीज बताइए कि आपके पास कोई राशि है यहाँ और इस राशि पर क्या कर रहा है 3 वर्ष के लिए 6% की दर से दे रहा है 3 वर्ष के लिए 6% की दर से वही देखोगे 4 वर्ष के लिए 5% की दर से 4 वर्ष के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों क्या होता है पीआरटी बाय 100 का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या है रेट है वही रेट क्या है सिंपल इंटरेस्ट यहां देखिए कि 3 वर्ष में 6% है 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% 3 वर्ष के लिए 6% की दर से तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एक वर्ष में ठीक है 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज है यहां देखिए एक वर्ष में कितने परसेंट मिल रहा है 6% तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18% क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट यहां देखिए एक वर्ष के लिए 5% है तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 4 वर्ष के लिए हो जाएगा 4 × 5 = 5 और 20% बराबर ये भी सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपसे बोल रखा है कि दोनों में जो डिफरेंस है 20 में से जब 18 घटाओगे कितने के बराबर होता है 20 रुपए के 20 में से 18 गए तो कितना आ जाएगा 2% की वैल्यू कितने के बराबर 20% चलो 20 रुपए के यहां से 2 से 20 कैंसिल आउट करूं तो 1% की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपए 1% की वैल्यू 10 तो 100% की आपके पास कितनी आ जाएगी 100% की आ जाएगी 1000 रुपये तो वह राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों 1000 रुपये बहुत सिंपल क्वेश्चन था समझाने की कोशिश इसमें ऑप्शन आपको दे रखा था ऑप्शन नंबर 1 1000 ऑप्शन नंबर 2 800 और ऑप्शन नंबर 3 था दोस्तों 1200 और ऑप्शन नंबर 4 था 900 तो आपके पास ऐसे आंसर कितना आएगा दोस्तों 1000 आ रहा है तो यहां का आंसर है 1000 पहला इसका क्या आंसर फटाफट आ रही है क्वेश्चन नंबर 22
और क्वेश्चन नंबर 22 में है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक. सो ऑन रुपए 450 फॉर फोर ईयर इज रुपए 18. सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि 450 रुपए की राशि थी, चार वर्षों में दो विभिन्न बैंकों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 18 पर रुपए है, उनकी ब्याज के दरों में अंतर ज्ञात कीजिए. सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों मैंने नवा क्वेश्चन कराया था. और इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओगे और मैं इसके आंसर बता देता हूं. ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा ऑप्शन है 1.5%, तीसरा ऑप्शन है 1% और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 3%. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा. ठीक है, होमवर्क के लिए ये है आपका होमवर्क. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 मैं इसे मिटा देता हूं. इस क्वेश्चन को जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, और ये मत भूलना कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेहद ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 23 और क्वेश्चन 23 में है अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 2 रुपए 460 इन 3 years. सो वायर इन 5 year इन अमाउंट 2 रुपए 500. सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अरे यार ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हम पिछली बार करा चुके थे. इसमें क्या है कि कोई भी राशि 3 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 460 रुपए हो जाती है. तो कोई भी राशि पता नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या है, और ये हो क्या रहा है कि 3 वर्ष में टाइम इज इक्वल टू 3 साल है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 460 रुपए. अब वो बोल रहा है कि जबकि 5 वर्षों में यही प्रिंसिपल अमाउंट 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 5 वर्षों में हो जाता है दोस्तों आपका 500 रुपए. सेम क्वेश्चन है, यहां पर टाइम कितना है 5 वर्ष, टोटल 5 वर्ष है, 3 वर्ष रहा होगा तो ये कितने वर्ष रहा होगा दोस्तों, 2 वर्ष. यहां आप निकाल लीजिए कि 460 रुपए थे, 500 रुपए होने में कितना इंटरेस्ट यहां पे लगा होगा, यहां देख लीजिए कितना लगा होगा 40 रुपए जो आया है इंटरेस्ट, ये दोस्तों 40 रुपए जो इंटरेस्ट आया है वो कितने वर्ष में आया, 2 वर्ष में. तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का इंटरेस्ट, जब 2 साल का 40 है तो 1 का कितना आ जाएगा 20, ये कितना है 3 वर्ष. तो 3 वर्ष और 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 20 रुपए. तो यहां पर 3 साल का कितना हो जाएगा 60 रुपए. जब वैल्यू 460 रही होगी तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी 400 ना. तो ये पूछ रहा है आपसे, रेट पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 400 है और 5 वर्ष कितना हो जाता है 500. तो यहां से क्या निकालोगे, रेट पूछ रहा है, 400 थे इक्वल टू 5 वर्ष में कितने हो गए 500. मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है, रेट निकालना है. तो रेट जो होता है 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज होता है. यहां आप देखोगे तो 400 से कितना हो रहा है 500, तो यहां से आपको ब्याज कितना मिला 100 रुपए ब्याज मिला ना. और आपको यहां पर रेट निकालना है तो 400 को किसमें चेंज करना पड़ेगा, 100 में 4 से भाग कर दीजिए इसलिए आपके पास कितना आ जाएगा 100 रुपए. तो 100 रुपए पर टाइम आपको कितना दे रखा है 5 वर्ष से, तो ब्याज कितना मिला होगा, जब 4 यहां से भाग किया होगा तो 4 में भी क्या किया होगा भाग किया होगा, तो 4 से काटोगे तो 25 बार आ गया. आपको पता है कि 100 रुपए पर 1 साल में होता है ये 5 वर्ष, तो 1 साल में होगी अपन t = 1 year,
करोगे तो पांच से क्या करोगे, हाँ पचम पच्चीस, तो ये क्या हो जाएगा पांच पच्चीस। तो एक साल में सॉरी 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है यही क्या है, रेट होता है। तो ये रेट कितना आ गया 5% का, कितना आ गया 5% है आंसर। ये दूसरा इसका क्या है 5% आंसर है। अब क्या कर सकते हो कि इसी आपको और सिंपल ये जो सीधा फॉर्मूले से कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर की भाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है दोस्तों, देखो यहाँ पर 100 रुपए दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 400, और रेट आपको निकालना है टाइम 5% डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 20, 100 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 5%, यही क्या होगा रेट। या तो ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, जो आपका मन करे निकाल लीजिए। उतारिए क्वेश्चन नंबर 23 को, नेक्स्ट बताते हैं, मैं डाल दूं। ऐसा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा बोल नहीं दिया। ट्वेंटी फोर